पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते क्या? हम मीडिया के सामने भी आप बताओ ना, आपके किसान की बात को मीडिया के सामने रखने से भी आप रोकने का काम करेंगे? राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के मुद्दे पर आज पुलिस से भिड़ गए। ये मामला दिल्ली का है। दिल्ली में संसद भवन के नजदीक विजय चौक के लोन में जिस वक्त वो मीडिया से बात कर रहे थे, किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, इसी दौरान पुलिस वहां पहुंचती है और पुलिस ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ मौजूद प्रताप सिंह बाजवा को रोक दिया। केसी वेणुगोपाल भी उस दौरान वही मौजूद थे और काफी देर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की दिल्ली पुलिस से इस बारे में बहस हुई। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार न तो संसद में और न संसद के बाहर किसानों के मुद्दे को उठाने देना चाहती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए उनके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था जिसे तीसरे दिन भी खारिज कर दिया गया। आपको मालूम है संसद में मानसून सत्र चल रहा है और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ऐसा करने से रोक रही है। तस्वीरों में जो आप सीन देख रहे हैं ये वाक्य उस वक्त का है जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा और केसी वेणुगोपाल विजय चौक के नजदीक लॉन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस के अफसर वहां पहुंचते हैं और मीडिया से बात करने से रोका जाता है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली पुलिस से उलझ जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, किसानों के मुद्दे पर बात की जाएगी, बात रखी जाएगी और आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। पुलिस के अपने ही तर्क हैं। सांसदों ने जब आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मी बार बार कहते हुए ये नजर आए कि हायर अथॉरिटी को जानकारी देने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये हायर अथॉरिटी कौन है? ये हायर अथॉरिटी क्या सरकार है या फिर पुलिस के आला अधिकारी हैं? और अगर पुलिस के आला अधिकारी हैं तो फिर उनको ऐसे आदेश किसने दिए हैं? जाहिर सी बात है सरकार के इशारे पर सब हो रहा है और सरकार नहीं चाहती कि किसानों का मुद्दा उठे और कोई भी नेता इसे जोर शोर से उठाए। लेकिन आपको मालूम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के मसले को पहले भी कई बार उठा चुके हैं। आइए आपको वो सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं जिस वक्त पुलिस दीपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे सांसदों को रोकने का प्रयास कर रही थी, और इसके बाद आपको सुनाएंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। कौन सी हायर अथॉरिटी मार्शल लॉ लगा हुआ है? कौन सी हायर अथॉरिटी है जिसको ये पता चलना चाहिए कि किसान की बात उठा रहे हैं? आप पार्लियामेंट को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से आपका क्या हक है? हम बात कर रहे हैं किसानों की, आप बीच में क्यों आए? आपने कैसे रोका हमें? कौन सी हायर अथॉरिटी को? क्यों इंफॉर्मेशन क्या हमारी सीआईडी लग रही है? हम क्या क्या निगरानी रखी जाएगी? हमारे मार्शल लॉ लगा दिया इस प्रकार का, पाकिस्तान जैसा हाल इधर कर रहे हैं? ये हमारा नाम लिख रहे हैं, आप देखिए पुलिस इधर आ रही है नहीं? नाम तो जिसका मर्जी लिखते रहो, हमें किसानों की एक मिनट, हम एक मिनट किसान मैं सबसे पहले एक जस्ट मिनट सर, वी आर एड्रेसिंग जस्ट गिव अस अ सेकंड। ऐसे सबसे पहले मैं कहूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप देखिए आपकी पुलिस क्या कर रही है। ये क्या पाकिस्तान है जहां मार्शल लॉ कहीं लगा हुआ है कि पुलिस को हम इन्फॉर्म और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट करें, वो भी विजय चौक पर बीच में रोक रहे हैं? और बीच में बात कर रहे थे, बीच में आपके सामने बीच में रोकने का काम किया और कहा कि हायर अथॉरिटी से हमें आदेश है। ये कौन सी हायर अथॉरिटीज? हम जानना चाहते हैं पार्लियामेंट से ऊपर कौन सी आवाज हम अंदर नहीं उठा पा रहे, बाहर भी नहीं उठा पाएंगे। और एक मिनट, हम कहना ये चाहते हैं कि फार्मर कह रहे हैं ये डेथ वारंट है, आप धक्के से फार्मर्स को डेथ वारंट पे साइन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और तोमर साहब ये कह रहे हैं कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, वैसे हम बात करने को तैयार है। वैसे कौन सी बात है? शरद के साथ कौन सी बात होती है? ये बहुत गंभीर विषय हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, ये हमारे प्रिविलेज का भी मुद्दा है, वो भी उठाएंगे हम। भारत देश की संविधान से कायम संसद के सदस्य हैं, उस रूप में भारत देश के नागरिक जिसमें भारत देश का किसान शामिल है उनकी आवाज उठाने का अधिकार हमें संसद के अंदर और बाहर है। मगर क्या हमसे पूछा जाएगा पुलिस भेजकर कि हायर अथॉरिटीज पूछ रही हैं कि आप कौन हैं, कैसे आवाज उठा रहे हैं? यहाँ पे आपके सामने जो हुआ है वो लोकतंत्र और संविधान का कत्ल है। पहले किसानों की मांगों को खारिज कर रहे हैं और फिर जले पे नमक छिड़कते हुए उनको कह रहे हैं कि मांग आपकी खारिज, अब आके हमारी चाय पी के आ जाइए हमारी चाय। बातचीत का क्या मतलब होता है? खुले दिल से सरकार को बातचीत करनी होगी, किसानों की मांगों को मानना होगा और संसद के अंदर दुर्भाग्य है तीसरे दिन लगातार बाजवा साहब और हमने कार्य स्थगन, काम रोको प्रस्ताव दिया, 267 का नोटिस, मगर तीनों दिन माननीय सभापति महोदय जी ने बिना हमें अपनी बात रखे उस नोटिस को खारिज करने का काम किया।
जब नोटिस खारिज किया गया तो विपक्ष के अंदर गुस्सा बना पलटा और सारा विपक्ष किसान के साथ एकजुटता के साथ खड़ा हुआ। यही कारण है कि आज गतिरोध संसद के अंदर बना हुआ, संसद की कार्रवाई स्थगित हुई। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ अविलंब हमें हमारे नोटिस को अलाउ किया जाए और किसानों के मुद्दे पे और उनकी मांगों पे संसद के अंदर चर्चा हो। गवर्नमेंट इज रेडी टू टॉक बट गवर्नमेंट हैज ओनली वन कंडीशन, गवर्नमेंट विल नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ फार्मर्स डिमांड। दैट मीन्स इट इज नॉट अ टॉक, गवर्नमेंट इज नॉट इन्वाइटिंग फॉर टॉकिंग, गवर्नमेंट इज इन्वाइटिंग फॉर हैविंग अ कप ऑफ टी। फार्मर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। गवर्नमेंट हैज टू टॉक विद ओपन माइंड एंड नॉट ओनली गवर्नमेंट शुड टॉक टू द फार्मर यूनियंस इन ओपन माइंड, गवर्नमेंट शुड अलाउ अस टू रेज द वॉइस ऑफ फार्मर्स इन दिस पार्लियामेंट। वॉट इज दिस पार्लियामेंट मेंट फॉर? हु इज दिस पार्लियामेंट मेंट फॉर? द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर द फार्मर्स नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया? इफ द फार्मर्स वॉइस विल नॉट बी अलाउड इन इंडियन पार्लियामेंट, विल इंडियन फार्मर्स वॉइस बी अलाउड इन नाइजीरियन पार्लियामेंट? गवर्नमेंट शुड रिफ्लेक्ट एंड गवर्नमेंट शुड अलाउ अ डिस्कशन ऑन द नोटिस गिवन बाय ऑनरेबल प्रताप सिंह बाजवा जी एंड माई सेल्फ एज सून एज पॉसिबल। इट इज बिकॉज द गवर्नमेंट द ऑनरेबल चेयरमैन कैंसल्ड आर नोटिस, डिड नॉट अलाउ आर नोटिस। दैट एंटायर ऑपोजिशन इन यूनिसन केम फॉरवर्ड इन टूगेदर विद द फार्मर्स, विद द वॉइस ऑफ द फार्मर्स, and this stalemate in the parliament is pursued. So will you be going to over there because the farmers are staging mock parliament at the Jantar Mantar with the opposition? We have gone and supported farmers and this protest and at every dharna, every site, wherever farmers have allowed farmer the Sayuk Kisan Morcha, they have laid out certain rules on how they want to conduct this particular protest. Whichever stage or whichever dharna, they have welcomed any political support. We have been the first to reach them. ऐसे है कि सबसे पहले जो दीपेंद्र जी ने बात कही है, मैं उस बात का जवाब देना चाहता हूँ। मेरा आज निवेदन है, रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब कि आज तो किसान जंतर मंतर पर आ गए हैं जो पार्लियामेंट से तकरीबन 500 गज पर है। आप हमारा निवेदन मानिए, पहले आज जाकर किसानों की यूनियंस के जो 200 आदमी इधर बैठे हैं, पहले उनकी बात सुने। अगर आप सिंसियरली किसानों की बात सुनना चाहते हो भाई, ठीकरी बॉर्डर हम नहीं कह रहे प्राइम मिनिस्टर जाएं या गाजीपुर जाएं या सिंघू बॉर्डर जाएं, कम से कम जंतर मंतर पे तो जा सकते हो। यहां तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को भी कोई खतरा नहीं है, 200 आदमी है सारा, वो हजारों या लाखों में तो लोग है नहीं, पहले वहां। नंबर टू, जो दीपेंद्र जी ने बात की, कभी आपने ऐसी सुनी है कि शर्त लगाकर बात करने कि हम बिल नहीं वापस लेंगे? जी जी चलिए, आपके भी कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम अपनी बात मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बीच में बात रोकने का अधिकार किसने दिया ये? हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम पार्लियामेंट में अपनी बात नहीं रख सकते क्या? हम मीडिया के सामने भी अपनी बात नहीं रख सकते? किसान की बात को मीडिया के सामने रखने से भी आप रोकने का काम करेंगे? ये मीडिया रोज है, मीडिया है तो मीडिया हम रख सकते हैं, हमें मीडिया ने बुलाया है। आप दे रहे हैं, लेकिन हायर अथॉरिटी को कौन सी हायर अथॉरिटी? यू कांट स्टॉप अस, यू कैनॉट स्टॉप अस। हायर अथॉरिटी को पता होना चाहिए। एक्चुअली यू आर डूइंग अ प्रिविलेज, दिस इज देयर एमपीज, वी आर नॉट अलाउड इन द पार्लियामेंट, वी आर नॉट अलाउड। ये नई बात देख रहे हैं, पुलिस इंटरफेयर कर रही है पार्लियामेंट के बाहर। Why the higher authority should know? Is this a police state?